पूछना चाहता हूँ और आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे उन सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो यार जब कोई गाड़ी रोड पर आपके ऊपर कीचड़ उछाल कर चली जाती है तो क्या आपको बुरा लगता है? जब कोई इंसान आपके किसी फैमिली मेंबर पर गुब्बारे मारता है तो क्या आपको बुरा लगता है? जब कोई इंसान आपके किसी छोटे भाई बहन पर रंग डालता है या पानी डालता है तो क्या आपको अच्छा लगता है? मुझे पता है बुरा लगता है। लेकिन हम डॉग्स को लात मारते हैं, रंग लगाते हैं, पानी डालते हैं, गुब्बारे मारते हैं और ये सब तो उनके लिए जहर है। हम सरसों का तेल मॉइस्चराइजर लगा के होली का रंग निकाल लेंगे लेकिन उसका क्या? हम बालों में शैम्पू लगा के रंग निकाल लेंगे लेकिन उसका क्या? हम नहा धो के सोएंगे क्योंकि हमें पता है कलर से इरिटेशन होती है, उन कलर्स में केमिकल है, लेकिन हम फिर भी डॉग्स को वही कलर लगाते हैं। हम तो नहा लेंगे लेकिन वो कहाँ आएगा? उसका क्या? मैं बताता हूँ उसका क्या। वो अपने फर को चाटेगा, वो अपने बॉडी पार्ट्स को चाटेगा और वही कलर उसके पेट में जाएगा जिसमें जिंक, लेड, मरकरी जैसे हार्मफुल केमिकल्स है, वो उसके पेट में जाएगा। उसको वॉमिटिंग होगी, उसको लूज मोशन होंगे, उसको हेयर फॉल होगा। आप तो हॉस्पिटल चले जाओगे लेकिन वो ओपीडी का कार्ड कैसे बनवाएगा? उसका क्या? एनिमल क्रुएलिटी है, ये क्या चीज है? ऐसा भी कुछ है। लेकिन अगर हमारे राइट्स का कोई हनन करेगा हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन उसका क्या? गाइज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज डोंट थ्रो वॉटर कलर्स और बलून्स और एनी टाइप ऑफ केमिकल ऑन स्ट्रीट डॉग्स बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। दे आर ऑलरेडी लिविंग इन अ वेरी बैड कंडीशन, दे डोंट हैव फूड टू ईट। सो इफ यू आर नॉट एबल टू हेल्प देम, वी डोंट हैव एनी राइट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर देम। सो प्लीज इस होली अगर आप उन्हें खाना नहीं दे सकते हो उनकी प्रॉब्लम्स और मत बढ़ाइए और ट्राई कीजिए उनको प्रोटेक्ट कीजिए इन चीज़ों से, क्योंकि एज ए ह्यूमन हम प्रिवेंट कर लेंगे, मेडिसिन ले लेंगे, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं।